हेलो एवरीवन, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का ये आपका लेक्चर है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग UPPSC, ये प्रवक्ता परीक्षा है PGT का 2016 का, आपके सामने हल प्रश्न पत्र पहला है और लेक्चर भी आपका पहला ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, जितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं क्लास को, सभी लोग सेशन को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भी इस चैनल को लिंक को भेजें जल्दी से जल्दी, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और चलिए, सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, यही आशा करते हैं आप लोगों से। और आज का प्रथम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, ये रहा है, ये UPSC PS का है, राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा 2016 का ये प्रथम प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहा है, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की थी? ए है पंजाब विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है लखनऊ विश्वविद्यालय और डी आपका आगरा विश्वविद्यालय। उत्तर भारत के किस विश्वविद्यालय में जो थी, जो समाजशास्त्र के अध्ययन शोध का जो पहल हुई थी सबसे पहले? प्रश्न नंबर एक आपके सामने है, आंसर बताएं प्रश्न नंबर एक का। बिल्कुल राइट आंसर, इसकी बात करें राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। और लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को 1921 में, उत्तर प्रदेश वर्ष 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में विभाग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष बने राधा कमल मुखर्जी थे इसके अध्यक्ष। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर दो पूछ रहा है, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ए राजनीतिक दर्शन, बी राजनीतिक व्यवस्था, सी राजनीतिक संघर्ष और डी आपका राजनीतिक व्यवहार। प्रश्न नंबर दो आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आंसर बताएं। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग सेशन को लाइक करें फटाफट, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक राजनीतिक दर्शन, ये राइट आंसर। ये देखिए, टीवी बॉटमोर के अनुसार 18वीं सदी के बौद्धिक परिस्थितियों और समाजशास्त्र के उदय में सहायक सिद्ध हुई है और उनमें से निम्नलिखित चिंतन धाराओं आंदोलन का समाजशास्त्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। ऐसे राजनीतिक दर्शन है आपका, इतिहास दर्शन है, उद्विकास और प्राणी शास्त्री है, ठीक है। ये देखिए पांच क्रम हैं, ये टीवी वाटोमन ने बताई थी। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर तीन पूछ रहा है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, किसने कहा था? ये है दुरिकीम, बी है पार्क और बर्गेस, सी है बेवर और डी आपका बोर्नार्ड। किसने कहा था समाजशास्त्र जो है सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? प्रश्न नंबर तीन आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन का? बिल्कुल पार्क और बर्गेस भी राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर चार देखते हैं आपके सामने आ गया। इसमें पर पूछ रहा है, समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्वभूमि में रखता है? ये है आपका लक्षण सामाजिक घटना, बी है सामाजिक अंतःक्रिया और सी है संस्कृति व्यक्ति और डी आपका व्यक्ति। प्रश्न नंबर चार आपके सामने हैं स्क्रीन पर और प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर दें। प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अंतर्क्रिया बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? ये है एंथोनी गिडेंस, बी है रॉबर्ट वीरस्टी और सी है टॉलकन पार्सन और डी है एच मार्कूज। प्रश्न नंबर पाँच अवधारणा जो है समाज की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था बदलना चाहते हैं, किस थिंकर ने कहा था? प्रश्न नंबर पाँच आपके सामने है, बिल्कुल राइट आंसर इसका दिया आपने, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, एंथोनी गिडेंस। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर छः, पूछा समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र संस्कृति संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बनाई थी? ए है मैकाइवर ने, बी है एफ टॉनीज ने और सी है आपका हेरी एम जॉनसन ने, डी है किंग्सले डेविस। प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है हेरी एम जॉनसन, सी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें सूची है और हमको मिलान करना है, ये कोड दिया हुआ है, ये देखिए ये रहा आपका, ठीक है ये सूची है सर, ये कोड है। सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं, उसके बाद फिर कोड देख लेते हैं आराम से।
आप भी मिलान कर लेना एक बार अपनी नोटबुक में। अगर हम उपसंस्कृति की बात करें तो ये आपका जाएगा पहला का जाएगा सी सेना, ठीक है। और दूसरा है बी में व्यापारिया संस्कृति, ये आपका जाएगा हिप्पी, ये दूसरा बी का आपका ये जाएगा। और संस्कृति का जो वाहक होता है वो भाषा होती है हमारी, तो सी का आपका दूसरा चला जाएगा। और संस्कृति टकराव की बात करें तो यह होता है अयोध्या मंदिर आंदोलन, जो अभी अयोध्या मंदिर का आंदोलन चला था उससे संबंधित है ये, ठीक है। तो आई होप इस हिसाब से आपका आंसर चला जाएगा क्या, सी जाएगा इसका, सीधा सीधा सी ही जाएगा, सी राइट आंसर है। और मिलान देख रहे हैं तो आप ये देखिए, सो मेरे सूची में निम्न सूचियाँ हैं ये रहे, ठीक है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, पूछा है एक संस्था से बनती है, क्या बनती है, आइए देखते हैं। ए है कर्ताओं एवं समूहों, बी है नियमों एवं विधियों, और सी है मूल्यों एवं मानदंडों, डी है उपयुक्त सभी। एक संस्था से बनती, क्या बनती है एक संस्था से, प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल राइट आंसर है इसका, नियमों एवं विधियां बनती है एक संस्था से, बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्कूट दिया है और समीर दिया है, ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, मिलान करना है इसको भी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मिलान कर लेते हैं क्या है, तो बात करते हैं ए अंतर समूह, अंतर समूह दिया हम समूह, ठीक है, एक आपका टी चला जाएगा। और ब्रह्म समूह की बात करें तो बे होते हैं, ब्रह्म मतलब बे समूह नहीं होते कि बोलते हैं बे हैं। और लघु समूह की बात करें तो लघु समूह क्या जाएगा आपका, दुई व्यक्ति जाएगा, लघु समूह दुई व्यक्ति हो जाएगा। और प्रारंभिक समूह में आमने सामने का संबंध, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या जाएगा, ए का आपका चला गया 3 और बी का आपका चला गया, बी का 2 चला गया, तो इस हिसाब की ए का 3, तो ये राइट आंसर इसका सी ही होगा इस हिसाब से, क्योंकि ए में 3 पहले में ही है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको देखने की सभी। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है, हमें नहीं की पहचान करनी है इसमें, ठीक है। ए है सामान्य भूभाग, बी है सामान्य चिंतन, और सी है सामुदायिक भावना, डी है सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है और इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है, 10 प्रश्न नंबर 10 का सामुदायिक जीवन का कौन सा आधार नहीं है, बिल्कुल सामान्य चिंतन नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे के प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है, ए है शिक्षा का विस्तार, बी है बेकारी की समस्या यानी गरीबी की समस्या होती है, और सी है आपका क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ बना मानना, और डी है उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर है प्रश्न नंबर 11 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, ठीक है, ये क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आ गया है पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कारण भ्रष्टाचार के लिए है, कौन सा कारण भ्रष्टाचार के लिए है, ए स्वार्थ की पूर्ति, बी है नियमों कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी, और सी है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, डी है उच्च अधिकारों का सहयोग। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या है प्रश्न नंबर 12 का, बिल्कुल राइट आंसर है बी है नियमों कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी, और ये भ्रष्टाचार का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13 पूछा संस्थाओं का परिवर्धन संस्थाओं तथा अधिनियमित संस्थाओं में वर्गीकरण दिया है, ए है जॉर्ज सिमिल ने, बी है स्पेंसर ने, सी है समनर ने, डी है पार्सन्स ने। किसने दिया था प्रश्न नंबर 13 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, बात करें तो आंसर हो जाएगा समनर साहब, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 14 आपके सामने शीत युद्ध एक उदाहरण है, वर्ग संघर्ष का, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का, क्या प्रत्यक्ष संघर्ष का है, शीत युद्ध क्या है, किसका उदाहरण है शीत युद्ध, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है स्क्रीन पर, बिल्कुल राइट आंसर प्रश्न नंबर 14 का आंसर आपका सही दिया आपने, अप्रत्यक्ष संघर्ष का राइट आंसर शीत युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 15 पूछा है तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तनों के सामंजस्य विभेद को कहते हैं, ये है संस्कृति विचरण, भी है संस्कृति नव परिवर्तन, और सी है संस्कृति विलंबना, और डी है आपका संस्कृति आत्मसातकरण। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है और इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का, बिल्कुल संस्कृति विलंबना, सी इज़ द राइट आंसर इसका।
और ये देखिए, इसको अखबार ने वर्ष 1922 में प्रकाशित अपनी प्रिय पुस्तक सोशल चेंज में किया था, ठीक है, संस्कृति ब्राह्मणा का। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 16, देवर विवाह साली विवाह उदाहरण है, ये है भ्रांत बहुपति विवाह, बी है विनियम के प्रकार की, सी आपका अधिमान विवाह की, डी आपका निषेध विवाह की। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का, बिल्कुल अधिमान विवाह की, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 17, ये रहा स्क्रीन पर, पूछा निम्नलिखित में ऐसे किसने जादू को विज्ञान का अमान्य वाहन माना है, ए है मैरियन वक्सी ने माना था, बी है फ्रेजर ने, सी है रेडक्लिफ ब्राउन ने, डी है टॉल्कन। अमान्य बहन किसने माना था, कितने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन माना था, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, बी रज आंसर आया आपका फ्रेजर, ठीक है। इन्होंने गोल्डन बाउ में 1909 में जो पुस्तक इन्होंने प्रकाशित हुई 1900 में उन्होंने इसने विकास किया था। नेक्स्ट है तरवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, ये है महाराष्ट्र में, बी केरल में, असम में, के उड़ीसा में। जो तरवाड़ एक मातृसत्ता का जो परिवार है वो कुटुंब किस राज्य में पाया जाता है, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है, बिल्कुल केरल में पाया जाता है, ठीक है, तरवाड़ कुटुंब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 19 पूछा है, सरकार का अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है, ये सरकारात्मक भेद का, भी अधिमानी व्यवहार का, उसी है सरकार क्रिया का, डी है सहन ही सेवा का। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, 19 का राइट आंसर की बात करें क्या है, बिल्कुल सकारात्मक भेदभाव का राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारण तत्व नहीं है, ये है भौगोलिक एकीकरण, और आपका बी है समुदाय का आकार, सी है पिछड़ापन, डी है विशिष्ट संस्कृति। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बिल्कुल समुदाय का आकार, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ गया है, पूछा कौन समिति का एक लक्षण नहीं है, मैं समिति के जो लक्षण नहीं है उसको पहचान करनी है, ये है लोगों की सामूहिकता, बी है कतिपय उद्देश्यों का होना, सी है स्वैच्छिक सदस्यता, और डी आपका आदर्श मानदंडों का अनुसरण। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका डी, आदर्श मानदंडों का अनुसरण, ये लक्षण नहीं है, बका तीनों लक्षण हैं आपके। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 22 पूछा, यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो संघर्ष के विभेद किया, किसने किया था, ए ग्लेन और ग्लेन, बी कालमैन ही, सी मैं कई बार एम पेज, डी है लेविस एम कोजर। तो सभी लोग जानते हैं संघर्ष से जो संबंध रखते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर सभी लोग देंगे, लेविस ए कोजर, सभी लोग जानते हैं संघर्षी प्रकारवाद थे। और प्रश्न नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, भारतीय जनसंख्या में 6 व्यापक प्रजातियों समूहों में किसने वर्गीकृत किया था, ए है रिजले, बी है बी एस गुहा, सी है क्रोबर, और डी है उपयुक्त सभी। किसने किया था 6 व्यापक प्रजातियों समूहों को वर्गीकरण, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है स्क्रीन पर, बिल्कुल राइट आंसर इसका किया था बी एस गुहा, बी राइट आंसर, ठीक है, देखिए 6 है प्रवर्गीकृत, नोट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 24, निम्नलिखित में से कौन स्वीकार करता है कि समाज स्तरीकरण सामाजिक प्रकारात्मक आवश्यकता है, ये है किंग्सर डेविस, बी है एम टूमिन, और सी है टालकन पार्थन, डी डब्ल्यू मूर। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यक है, किसने कहा था ये, प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, बिल्कुल एम टूमिन ने कहा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, वर्ग की विशेषता कौन सी है, नहीं ये इसको बताना कौन सी नहीं है, ये है वर्ग चेतना, भी है वर्गों का ध्रुवीकरण, और सी है वर्ग विशेष, और दी है प्रदत्त सदस्यता। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है प्रदत्त प्रस्ता, ये वर्ग विशेषता नहीं है। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं, ठीक है, आपकी 25 MCQ डिस्कस हो चुके हैं, आपका 2016 का पेपर था UPSC का, राजस्थान वाला, प्रवक्ता वाला, और PGT का। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं, और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।
और जब तक लिए आप क्लास को हमसे जुड़े रहें, क्लास देखते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।